हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारे पास है जो कि कोम्बो स्क्रीन हीरो कंपनी के। दोस्तों काफ़ी अच्छा फोल्डर है दोस्तों हीरो का, तो डालेंगे भी, फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी और चलेगा काफ़ी बढ़िया। तो आज आपको दिखाने वाले हैं इस फोल्डर को कैसे डाल सकते हैं इसके अंदर। तो पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे इसको हमने खोला था और कैसे एक एक चीज़ आपको बताई थी। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम खोल सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से पहले इसको खोल लिया हमने, तो खोलने के बाद आपको दिखाते हैं फोल्डर कैसे हमें चेक करना है। पहले हमें एक बार फोल्डर लगाने से पहले हमें फोल्डर चेक करना पड़ेगा। फोल्डर चेक करने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हम अगर पहले पेस्टिंग वगैरह कर देंगे फोल्डर में कोई दिक्कत होगी तो फिर वो चेंज नहीं होगा। तो बिना इसको चिपकाए अगर एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छी तरह फोल्डर चलेगा, तभी इसमें फोल्डर लगाएंगे दोस्तों। इससे फिर क्या है, हम बाद में इसको चिपकाएंगे। तो पहले इसको देखिए ऐसे इस तरह लगा लेंगे। इसमें लगाने के बाद इस पत्ते को लगाएंगे, यहाँ पे पत्ते को लगा के फिर बैटरी को लगा के इसको फटाफट चेक करते हैं दोस्तों। ऑन करके टच वगैरह चेक कर लेंगे, कंट्रास्ट चेक कर लेंगे इसका, डिस्प्ले का कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा दोस्तों। अगर सारी चीज़ सही है तो उसी के बाद हमें फोल्डर को लगाना है। तो फटाफट एक बार इसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरह, तो इसको ऑन कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो कम्प्लीट देखना दोस्तों, 6-7 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो आपको सारी नॉलेज मिलेगी इसके अंदर कि कैसे इसको हम लगा सकते हैं, पेस्टिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, जिससे कि आपका फोल्डर काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और गिरने पड़ने से भी टूटेगा नहीं। तो अगर फिटिंग अच्छी होगी तो दोस्तों काफ़ी टाइम चलता है फोल्डर। तो हमने इसको चेक कर लिया है, इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्टेप को भी उतार लेंगे ताकि इसकी वजह से फिटिंग सही होनी चाहिए। अगर ये लगा रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा और फिर ये दिखता है तो वाइट वाइट फिर अच्छा लगता है, इसलिए पहले इसको भी कट कर लेंगे। तो कट करके अच्छी तरह उतार लेंगे यहाँ से ताकि इसको सही तरह हम लगा सकें फोल्डर को। तो फटाफट उतार लिया हमने देखिए इसको। तो उतारने बाद अभी इसको टेप को बाद में जब चिपकाएंगे जब उतार लेना दोस्तों कैमरे के ऊपर से। तो अब पहले फटाफट इस पर लगाते हैं गम। तो गम किस तरह, ये किनारी दिख रही होगी आपको, इस किनारी पे गम लगानी है साफ, जो कि हमने पहले ही साफ़ कर लिया था, आपको बताया था कि इसको कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें गम लगानी है हमें, गम बिल्कुल किनारी पर लगानी है, ज़्यादा गम नहीं लगानी है दोस्तों। ज़्यादा लगाने से क्या होगा कि वो फोल्डर के नीचे भी चली जाएगी तो फोल्डर थोड़ा ऊपर उठा रहेगा और फिर फिटिंग भी सही तरह हो नहीं पाती है। तो इस करके किनारी पर लगाएं ताकि किनारी किनारी चिपके और फोल्डर की अच्छी तरह फिटिंग हो जाए। तो इस तरह आपको किनारी के ऊपर लगाना, मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे किनारी पे लगाओ, तो इसी तरह आपको लगाना है। देखिए इसमें बिल्कुल हमें आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो फिटिंग भी सही तरह नहीं होती है और फिर फोल्डर अच्छा तरह लगता नहीं है। तो बिल्कुल देखिए अभी इसकी ये टेप उतार लें कैमरे की, जो कि हमने सारी वो गम लगा ली है उस पर, तो जो कि प्लास्टिक होते हैं दोस्तों प्लास्टिक गम, तो अभी ये लिक्विड फॉर्म में होती है और बाद में आधे घंटे घंटे बाद ये सूख के हार्ड हो जाती है बिल्कुल और पकड़ मजबूत हो जाती है। और फोल्डर को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह सेट कर लेंगे। जब लगे सेट हो चुका है, बिल्कुल क्रोम के बीच में आना चाहिए फोल्डर दोस्तों, ना इधर ना ऊपर ना नीचे ना साइड में, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग करनी है दोस्तों। तो देखिए अब करने के बाद इस पत्ते को थोड़ा दबा के सेट कर लेंगे यहाँ पे और फिर लगानी है हमें इसके ऊपर बैटरी, और बैटरी लगा के फटाफट इसको करते हैं फिट दोस्तों। तो हमने काफ़ी काम पहले ही कर रखे हैं, जो कि हमने जैसे कि ढक्कन वगैरह इसके सारे पहले ही साफ़ कर लिए थे। तो अब हमें सिर्फ यही करना है कि फटाफट इसमें सामान लगाना है और चेक करना है फोल्डर को, और फटाफट इसमें हड्डी वगैरह लगा लेंगे। तो हड्डी देखिए ये पहले ये पत्ता है ये लगा लेते हैं, जो रिंगर डिब्बी है इसकी, रिंगर डिब्बी को यहाँ पे एक छोटा लॉक है, इस लॉक के अंदर अटका के इसको नीचे दबाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तो देखिए ये हो चुकी है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिंगरप्रिंट पत्ते को। फिंगरप्रिंट पत्ते को लगाने के बाद इसको क्रोम को बिल्कुल आराम से फिट करेंगे दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि फोल्डर अभी नया नया है और सही तरह भी चिपका नहीं होगा, इसलिए हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल आराम आराम से इसको दबा के ही फिट करना है। तो जैसे कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम इसको दबा के फिट कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से ये बिल्कुल फिट हो चुका, थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा दबाएंगे तो अच्छी तरह फिटिंग हो जाएगी इसकी। देखिए तो अब इसको ऑन भी करके देख लेंगे, बाकी फ़ोन ऑन हो रहा है अभी, तो चेक तो हमने पहले ही कर लिया था। अब हमें करना क्या है इसका दोस्तों, यहाँ पे हमें लगाने हैं पहले नट लगा लेते हैं फटाफट। नट लगाने के बाद फिर लगाएंगे इसके ऊपर पेस्टिंग। तो देखिए नट लगा लिए, तो पेस्टिंग यहाँ पर भी बिल्कुल हमें किनारियों पर ही लगानी है। तो इससे क्या होगा कि ढक्कन बाद में अगर हमें कभी उतारना पड़े तो बिल्कुल सेफली उतार सकते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा गम लग जाती है तो उतारते हुए दिक्कत होती है और जो इसका बैक पैनल है वो टूट भी सकता है, क्रैक भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे भी हमें हल्की हल्की ही गम लगानी है, सिर्फ एक लाइन में ही। तो इसको भी फटाफट चारों तरफ लगा लेते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल ऐसे ही लगानी है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वीडियो भी बताना दोस्तों आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों आप। तो देखिए हमने यहाँ पे गम लगा लिया, अब गम लगाने के बाद इस पर हमें ये बैक पैनल है, बैक पैनल को रख देना है इसके ऊपर, बिल्कुल सही तरह आ जाएगा जो कि। तो देखिए यहाँ पर बैक पैनल है, बिल्कुल सही तरह इस पर आ चुका है, तो इसको भी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे इसके ऊपर बिल्कुल। अब ये देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमें कस्टमर को साथ ही देना है,
क्योंकि कस्टमर को भी बाहर जाना है, दूसरे गांव का है, इसलिए उसको फटाफट में क्या करना है, फोल्डर लगा लिया हमने जो कि इसके तो टेप वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले हमने इसके पन्नी उतार के इसको ग्लास गार्ड लगा लेते हैं। दोस्तों फटाफट ग्लास गार्ड आपको मैंने एक दो वीडियो बना भी रखी है पहले, कैसे कि हम जो ये टेम्पर्ड ग्लास होता है कैसे इसको हम लगा सकते हैं। तो सिंपली इसको ऊपर रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, इसके बीच में बिल्कुल सही तरह आना चाहिए। और रखते ही देखिए दोस्तों अपने आप ही चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए अपने आप चिपकना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल बबल फ्ली होता है ग्लास गार्ड ये दोस्तों। तो जो कि अब ये लग चुका है ग्लास गार्ड भी, यहाँ से थोड़ी सी टेप रह गई थी, इसको उतार लेंगे। और साइडों से जो एक्स्ट्रा गम है जो बाहर की तरफ आ चुकी है उसको हाथों से साफ कर लेंगे ताकि सही तरह लगे और पता भी नहीं लगे कि फोल्डर इसमें डला था नहीं डला था। अब इस पर टेप लगा देंगे दोस्तों, ये टेप कह रहा हूँ सॉरी, रबड़ लगा देंगे अच्छी तरह। रबड़ लगाने से क्या होगा कि ये जब तक इसको रबड़ रोक के रखेंगे आधे घंटे एक घंटे के लिए, फिर रबड़ उतार देंगे, फिर बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल नए जैसा। तो यही वीडियो थी दोस्तों जो कि मैंने आपको दिखाया था 3-4 पार्ट में कि कैसे इसके ढक्कन को उतारे, कैसे क्रोम को खोले और कैसे बैटरी को निकाले, कैसे फोल्डर को उतारे दोस्तों। फिर बाद में होती है फिटिंग फोल्डर लगाने की, तो ये फिटिंग बोल अच्छी करोगे तो फोल्डर की फिटिंग भी बढ़िया आएगी, ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। आप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।